वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. आई होप यू आर डूइंग गुड. एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, हाई आई एम दिव्या. एंड टूडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम पॉइंट्स आई विश आई न्यू बिफोर मूविंग टू जर्मनी. सो इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी और लाइक जॉब, दिस वीडियो विल हेल्प यू. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट एंड मेन इम्पॉर्टेंट, लैंग्वेज बैरियर. यस, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो लाइक आप ग्रॉसरी शॉपिंग में या फिर जब आप आओगे पेपर वर्क में, तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए. वो लैंग्वेज के बिना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. लाइक बिग सिटीज़ में लाइक बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं. बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी मैं लैंग्वेज लाइक थोड़ी बहुत मैंने की थी. बट अगर आप B1 तक करके आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. और अगर आप B1 भी नहीं कर पा रहे हो तो आप बेसिक सीख के आओ, लाइक ड्यूलिंगो से या फिर YouTube वगैरह चैनल से आप वो सीख के आओ, क्योंकि वो यहाँ पे आके आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, लाइक अगर आपका कोर्स इंग्लिश में भी है ठीक है, फिर भी यहाँ पे आपको अगर जॉब आपको करनी है और जॉब्स करोगे, कुछ भी जॉब करोगे, आपको लैंग्वेज चाहिए. एंड नॉर्मल भी अगर आपको यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने हैं या फिर कहीं भी आप कुछ भी शॉपिंग के लिए जा रहे हो और कहीं भी एम्बेसी वगैरह जा रहे हो, वहाँ पे आपको पेपर वर्क करना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, सिटी रजिस्ट्रेशन, तो आपको सबके लिए लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे भी इंग्लिश बोलते हैं लोग, बट वही है कि वो मेन जो प्रेफरेंस देते हैं वो अपनी लैंग्वेज को देते हैं. तो अगर आप वहाँ यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो आप बेटर होगा कि आप इंडिया से ही लैंग्वेज सीख के आओ. आई नो बहुत लाइक इंडिया में हम नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे हमें वैसा इन्वायरमेंट भी नहीं होता, बट ये है आपको थोड़ा बेसिक अगर आप सीख के आ रहे हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप रेगुलर क्लासेस भी लो इंडिया में अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा. यहाँ पे आपको बहुत आपकी बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड वन इज़ पेपर वर्क. यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, लाइक आपका सिटी रजिस्ट्रेशन से लेके हेल्थ इंश्योरेंस तक. और मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप अगर इंडिया से आ रहे हो तो आप बहुत सारी कॉपीज़ लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले आके ये सब कुछ मैंडेटरी होता है. सबसे पहले आपको सिटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी है, वो आपको कराना पड़ेगा. उसके बिना आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, उसके बिना आपका कुछ भी नहीं होगा. तो उसके लिए आपको लाइक बहुत ज़्यादा एंड अपॉइंटमेंट्स. यस, लाइक अगर आप सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, अगर आपको आपका वीज़ा एक्सटेंड कराना है उसके लिए भी आपको आपकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी. एंड वो सारा लाइक पेपर वर्क आपको, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हो तो वो आपको लाइक उसमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो एकदम अच्छे से हो जाएगा. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो, जैसे सिटी रजिस्ट्रेशन आप सीधा ऑनलाइन कर सकते हो. नहीं, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, उसके पहले आपको आपकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, एंड उसके बाद वहाँ पे जाके आपको अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा के वो सब होता है. एंड बैंक अकाउंट भी ऐसे ही खुलता है, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ते हैं. मतलब ये है, कुछ ज़्यादा हेडेक वाला टाइम काम नहीं है, बट ये है कि सब कुछ पेपर वर्क है, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है. ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आपने अपॉइंटमेंट ले लिया आप उस टाइम जाओ आपका काम हो जाएगा, बट ये है कुछ थोड़ा ज़्यादा पेपर वर्क है. सिटी रजिस्ट्रेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, ये स्टार्टिंग वाला जो होता है वो है. एंड सारे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके लाइक प्रॉपर ऐसे लेटर बॉक्स में पोस्ट के थ्रू आते हैं, ऐसा नहीं है आपको ऑनलाइन आएंगे. तो वो स्टार्टिंग में लाइक हेल्थ इंश्योरेंस से इतने ज़्यादा पोस्ट आते हैं ना, बहुत ज़्यादा. तो या थोड़ा सा पेपर वर्क ज़्यादा है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा या फिर बहुत आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा. नहीं, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है सीधा जाओ, काम उसी टाइम हो जाएगा. बट प्रॉपर अपनी अपॉइंटमेंट जिस भी टाइम की है उस टाइम जाओ, लेट नहीं जाना बिल्कुल भी. नेक्स्ट इज विंटर. यस, लाइक हम इंडिया में रहते हैं ठीक है, इंडिया में भी काफ़ी सर्दी होती है, बट यहाँ पे आगे पता चला भाई क्या क्या कड़ाके की सर्दियाँ होती हैं यहाँ पे. यहाँ पे लाइक इंडिया से बहुत अलग सर्दी होती है. अभी स्टार्टिंग होने लग गई है, अभी अक्टूबर चल रहा है, नहीं हाँ अभी सितंबर चल रहा है, ओह शिट, अभी सितंबर चल रहा है. बट अभी तो वेदर ठीक है, लाइक आज का अभी मैंने आपको पहले कुछ टाइम पहले क्या मेरी वीडियोस देखोगे तो उसमें काफ़ी ठंड हो गई थी, लाइक जैकेट वैकेट डालनी पड़ती है ठंडी. तो यहाँ पे इंडिया से एज़ कम्पेयर टू इंडिया ज़्यादा सर्दी होती है, स्नोफॉल होता है. तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने
क्लोथिंग में इंडिया से अगर आप ला रहे हो, लाइक आपका विंटर इनटेक है अगर आप इंडिया से ला रहे हो, तो अच्छी लाइक अच्छी जैकेट्स में, अच्छे बूट्स में इन्वेस्ट करना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये सोच के कपड़े मत लाना कि इंडिया जैसे सर्दी होती है, यहाँ पे इंडिया से ज़्यादा सर्दी होती है, स्नोफॉल भी होती है, तो उसी हिसाब से आप अपने कपड़े में इन्वेस्ट करना। ये हल्की वल्की जैकेट आप ला सकते हो, बट एक जो आप अगर ला रहे हो, अगर आप अच्छी जैकेट में इन्वेस्ट करोगे तो वो बेटर रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट जो था, जो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे आने के बाद शॉकिंग लगा, संडे को यहाँ पे सब कुछ क्लोज होता है, सुपरमार्केट, स्मॉल, एवरीथिंग। एंड अगर आप अपनी ग्रोसरी या फिर कुछ भी आप सैटरडे तक नहीं खरीद पाते, और अगर आपके पास संडे को नहीं है, तो फिर योर बैड लक, क्योंकि यहाँ पे लिटरली संडे को कोई सुपरमार्केट, कोई मॉल कुछ नहीं खुला होता। तो ट्राई करना अगर, जैसे क्योंकि स्टार्टिंग में हम यही सोचते हैं, क्योंकि हम इंडिया से आ रहे होते हैं, तो इंडिया में मेन शॉपिंग तो लाइक हॉलीडे होता है, सैटरडे संडे, तो हम मेन तभी करते हैं, संडे को हमारा लिए होता है कि संडे को करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे संडे को सब कुछ ऑफ होता है। तो मतलब ये आप अपने स्टार्टिंग में हमें लाइक याद नहीं रहता, या फिर हमें पता नहीं होता कि ठीक है संडे को ले लेंगे, नो, यहाँ पे आपको संडे से पहले ही सब कुछ आपका लेके रखना होएगा। अगर आपको संडे को कुछ पार्टी वार्टी करनी है, तो सारा सामान आपको पहले ही लेके रखना पड़ेगा। सो या ये थोड़ा सा लाइक बहुत अलग है कि, बट ये पूरा अपना हॉलीडे इंजॉय करते हैं, ये संडे को कोई काम नहीं करते हैं, तो यस, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा शॉकिंग था। बट या ये मैं आपको सारी चीज़ें पहले बता रही हूँ। आई थिंक मुझे, आई डोंट नो, मुझे पता था ये बात या नहीं पता था, मेरे को याद नहीं है, बट यस। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, अगर आप स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, कुछ भी हो, तो आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कराना ही पड़ता है। एंड यहाँ पे टू टाइप्स के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, बट मोस्टली लोग पब्लिक ही कराते हैं, मतलब वो आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, और पूरा रिसर्च करके कि आपको कौन सा लेना है, उस हिसाब से आपको हेल्थ इंश्योरेंस अपना चूज़ करना चाहिए। एंड यहाँ पे मैंडेटरी होता है, आपको कराना ही पड़ेगा, ठीक है? लाइक आप स्टार्टिंग में आते हो, सिटी रजिस्ट्रेशन होता है, हेल्थ इंश्योरेंस आप इंडिया से ही अप्लाई करके आते हो, बट यहाँ पे आपको एक बार ऑफिस में जाके उनको इन्फॉर्म करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको प्रॉपर फिल करने होते हैं, और पूरा आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी पे करनी पड़ती है जब से आपका वीज़ा स्टार्ट हो रहा है। अगर अक्टूबर से है, और आप अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते करते आपको नवंबर हो गए, लेकिन आपको हेल्थ इंश्योरेंस अक्टूबर से ही पे करना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी, एंड वो हेल्पफुल भी होता है। पर्सनली मेरे को भी हेल्पफुल हुआ, एक बार मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्थ मेरी ख़राब हो गई थी, तो मैं सीधा हॉस्पिटलाइज्ड हुई, तो फिर उस टाइम पे लाइक मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड था, तो मेरे को कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, एंड सब कुछ उसी में हो गया। लाइक जो आप बाहर से लाइक मेडिकल से मेडिसिन वगैरह लोगे, वो आपको पे करना पड़ेगा, बाकी लाइक हॉस्पिटल में या कुछ भी, वो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो या हेल्पफुल होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक बीमार या कुछ रहते हो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आपको वो बिना बात के पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठीक है यार, इमरजेंसी वगैरह में वो हेल्पफुल रहता है। तो आई मतलब जो मैं पे करती हूँ वो 120 है, लाइक वो आपका हर मंथ कटता है, मतलब वो एक फॉर्म देते हैं आपको, उसमें सारी डिटेल्स भरनी होती है, तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप लाइक वो हर महीने काट लें, या फिर आप हर महीने पे करो। तो मैंने जो किया हुआ है अपना, वो खुद मतलब डिडक्ट हो जाता है मेरे अकाउंट से 120 हर मंथ। तो आप उसको यूज़ कर रहे हो, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आप कुछ करा रहे हो, चेकअप वेकअप, दैट डजंट मैटर, आपको पे करना ही पड़ेगा, दिस इज़ मैंडेटरी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैश। यहाँ पे अभी भी लाइक अगर आप बहुत स्मॉल टाउन्स में या फिर छोटी शॉप्स पे जाओगे, तो वहाँ पे लाइक मोस्टली लोग कैश ही प्रेफर करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, उस टाइम पे मेरे पास कैश नहीं था, तो ये लाइक आप अपने पास आप अपने पास थोड़ा बहुत कैश हमेशा रखो, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में गूगल पे, पेटीएम, ये वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कार्ड तो यूज़ होता है, कार्ड तो होता है, बट कैश अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, या फिर किसी भी छोटी शॉप से कुछ ले रहे हो, तो आपके पास अपना कैश होना चाहिए। कैश इज़ लाइक किंग हियर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेकिंग फ्रेंड्स। जर्मनी आके फ्रेंड्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप जर्मन फ्रेंड्स बनाओगे, उसके लिए आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए, एंड वो थोड़े रिजर्व भी होते हैं, बट आपको अगर थोड़ा टाइम लगता है मतलब फ्रेंड्स बनाने में, इंडियंस भी अगर आप फ्रेंड बनाओगे यहाँ पे आके बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप पहले से यहाँ पे किसी को जानते हो फिर तो बेस्ट है, बट अगर आप ऐसे आ रहे हो जैसे मैं आई थी, यहाँ पे किसी को नहीं जानते, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में फ्रेंड्स बनाने में। एंड
यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे नहीं बनते जैसे इंडिया में बनते थे, चलो मस्ती ये वो, मतलब बनते भी हैं बट यही है थोड़ा टाइम रहता है, लाइक सब अपने अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे फ्रेंड्स बनाना। बट अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्योंकि बनते भी हैं, जैसे तुम्हारी वाइब मैच हो रही है, मज़ा आ रहा है ये वो, मतलब तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगता है, तो उससे आप डिस्करेज मत होना कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ये नहीं है। जिसको भी ऐसा फील हो रहा है वो मेरे को मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होएगी, आपको होम सिकनेस भी होएगी, तो उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होके आना। ये मत सोचना कि अरे वहीं जाके देख लेंगे ये वो, सब पूरा अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होके आना, ठीक है, मैं यही बोलूँगी। और आके एकदम ऐसे मत हो जाना अरे यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा वो तो होता ही है, देखो अगर आप अपने घर से भी इंडिया में भी कहीं बाहर जाओगे तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, बट हो जाता है सब कुछ धीरे धीरे, ठीक है। तो यही थोड़े कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए, अगर कुछ मिस हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी, बट जितना मेरे को पता था उतने मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।